हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 1 को। जिस किसी ने भी मांगा पढ़ी है उसको पता है कि डेमन स्लेयर सीजन 3 में क्या होगा, और जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी उनको नहीं पता कि इस एपिसोड में क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 1 को। तो जरा भी हमारी वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को फुल देखना, जिससे आपको वीडियो भी समझने आएगी और एपिसोड में क्या क्या हुआ था वो भी समझने आ जाएगा। हमें इस एपिसोड में बहुत ही अच्छे यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं, और सब अपर मून्स के बीच की जो राइवलरी होती है वो भी हमें अच्छे से देखने को मिलती है, और जो अपर मून मीटिंग होती है वो भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें इस एपिसोड में तानजीरो के ड्रीम का कंसेप्ट भी देखने को मिलता है, जिसमें उसके डैड आते हैं। तो आगे क्या होता है इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको डेमन कॉर्प का एक मेंबर देखने को मिलता है, जो कि तानजीरो नेजुको इनोसुके और जेनोत्सु के पास जाता है, जहाँ पर वो ग्यूटारो से लड़ते हैं। और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, उन्होंने आखिरकार एक अपर मून डेमन को हरा दिया। फिर हमें मास्टर कागाया का सीन देखने को मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि पिछले 100 सालों से कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, और आखिरकार हम मुजान को मारने के बहुत करीब हैं, और ये शुरुआत है, और एक दिन हम सभी डेमन्स को ख़त्म कर देंगे। फिर हमें इन्फिनिटी डायमेंशन देखने को मिलता है, जहाँ पे सभी अपर मून डेमन्स मीटिंग करने वाले होते हैं। सबसे पहले हमें अकाजा देखने को मिलता है, जो कि अपर मून 3 का मेंबर है, और वो कहता है कि अगर मेरे को यहाँ पर संबंध किया गया है तो इसका ये मतलब है कि कोई अपर मून डेमन मारा गया है। तभी वो वहाँ पर छलांग लगाता है और अपने घुटनों के बल पर बैठ जाता है। तभी अकाजा बीवा वुमेन से पूछता है कि यहाँ पर लॉर्ड मुजान आए हैं कि नहीं, तो फिर वो जवाब देती है कि वो अभी तक नहीं आए हैं, पर जल्दी ही आ जाएंगे। तभी हमें एक और अपर मून डेमन देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है ग्योको, और उसकी रैंकिंग होती है अपर मून 5। फिर हमें एक और डेमन देखने को मिलता है, जिसकी रैंकिंग होती है अपर मून 4, जिसका नाम होता है हाटेंगू, और वो कहता है कि पिछले 113 सालों से कोई भी अपर मून डेमन नहीं मरा है, और अब अपर मून ने रैंकिंग 5 में बदल गई है, जो कि एक ऑड नंबर है, जो कि हमारे लिए अनलकी साबित होगा। फिर अचानक से अकाजा के पीछे अपर मून 2 डेमन आ जाता है, जिसका नाम होता है डोमा, और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। दोनों के बीच में कुछ बात होती है, जिससे अकाजा गुस्से में आ जाता है और उसका मुंह फोड़ देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है, पर कुछ ही देर में वो अपने मुंह को ठीक कर देता है। अकाजा पूछता है कि अपर मून कहाँ पर है और वो आया है कि नहीं। तभी वीवा वुमेन कहती है कि वो तुम सबसे पहले आ चुका है और वो तुम्हारी बातों को सुन रहा है। फिर हमें किकू सुयुवा देखने को मिलता है, जिसकी रैंकिंग अपर मून 1 होती है, और वो कहता है कि लॉर्ड मुजान आ चुके हैं। तभी मुजान कहता है कि ग्यूटारो हमारे साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन ये कोई मैटर नहीं रखता कि वो है या नहीं। मैंने तुम सबसे जितनी उम्मीद की थी तुम उससे नीचे गिर चुके हो, और तुम सबको पता होना चाहिए कि मुझे बदलाव कभी भी पसंद नहीं है, और अब अपर मून रैंकिंग में बदलाव आ चुका है। फिर हमें एक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर ग्योको मुजान के हाथ में अचानक से आ जाता है। मुजान कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा दिला रहे हो, और साथ ही ये कहता है कि तुम इन्हें 113 सालों से कर क्या रहे हो। फिर वहाँ से मुजान चला जाता है। फिर हमें फिर से अपर मून देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें अपर मून की रियल फेस देखने को मिलती है। फिर कोकू सुयोबा और अकाजा के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसमें अकाजा कहता है कि क्या तुम्हें मेरे हाथों से मरना है। फिर अंटेंगू कहता है कि हमें अपनी बातचीत यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। फिर ग्योको कहता है कि तुम मुझे और हंटेंगू को एक ही जगह भेज दो, और इसी के साथ अपर मून मीटिंग भी ख़त्म हो जाती है, और सभी डेमन्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि तानजीरो एक सपना देख रहा है, जहाँ पर वो अपने डैड को देखता है। फिर हमें वहाँ पर कनाओ देखने को मिलती है, जो कि उसे बताती है कि तुम 2 महीनों से कोमा में थे और तुम अब जाकर उठ पाए हो। फिर हमें एपिसोड का पार्ट 2 देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है गोटो। वो कहता है कि
मैं डेमन स्लेयर कॉर्प्स में साफ सफाई करता हूँ। जब वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पर गया था तो उसने देखा कि सभी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं और उन तीनों को बहुत ही ज़्यादा चोटें आई थीं। तो वो मन में सोचता है कि वो मुझसे छोटे हैं और वो स्पोर्ट्समैन बन चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं, इसलिए मैं उन तीनों की इज्जत करता हूँ। गोटो टानशिरो के लिए खाना लेके आता है, तभी वो देखता है कि ज़मीन पर फ्लावर पॉट गिरा हुआ है, तो वो उसे साफ करने लग जाता है। फिर जब गोटो को मालूम पड़ता है कि टानशिरो होश में आ गया है, तो वो कनाओ पर चिल्लाता है और कहता है कि तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया कि टानशिरो होश में आ गया है। तभी गोटो सभी को बुलाता है और कहता है कि टानशिरो कोमा से बाहर आ चुका है। तभी यहाँ पर सभी लोग आने लगते हैं। फिर टानजिरो इनोसुके, जेनित्सु और नेजुके के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि वो पहले ही होश में आ चुके हैं और उनके चोट ठीक हो चुकी है। फिर वहाँ पर इनोसुके आ रहा है और वो कहता है कि मैं तुमसे 7 दिन पहले ठीक हो गया और तुम अभी तक कोमा में थे, और फिर तुम बहुत सारा खाना खा लो जिससे तुम और जल्दी ठीक हो सको। फिर 2 हफ्ते बाद टानजिरो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर टानजिरो को पता चलता है कि उसकी स्वर्ड अभी तक ठीक नहीं हुई है जब वो कोमा में था। तब स्वर्डस्मिथ ने बताया था कि मैं तुम्हारी स्वर्ड को ठीक नहीं करूँगा क्योंकि तुम उसको बार बार तोड़ देते हो और तुम उसके लायक भी नहीं हो। फिर टानजिरो को स्वर्डस्मिथ विलेज का नाम पता चलता है जहाँ पर सभी स्वर्डस्मिथ रहते हैं। उसे पता नहीं होता है कि विलेज कहाँ पर है, इसलिए उसके साथ एक गाइड होती है जो कि उसे सही सलामत विलेज तक पहुँचा देती है। विलेज के गेट पर पहुंचने पर वो उसे वहीं पे छोड़ देती है। फिर टानशिरो वहाँ के चीफ टैचिन टैची कवारा से मिलता है और वो कहता है कि मैं यहाँ का सबसे छोटा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ। फिर टानशिरो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम बताता है। चीफ उसे कुछ खाने के लिए स्वीट्स देता है और टानशिरो कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया है। फिर चीफ टानजिरो से कहता है कि तुम्हारी स्वर्ड बनाने वाला स्वर्डस्मिथ अभी आया नहीं है, तो इसलिए तुम्हारी स्वर्ड कल बन पाएगी, जब तक तुम हॉट स्प्रिंग पर बाथ ले लो। फिर जब टानजिरो हॉट स्प्रिंग जाता है तब उसे मित्सुरी मिलती है। हॉट स्प्रिंग पर मित्सुरी को एक लड़का मिलता है, तो वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसको इग्नोर कर देता है। इस बात पर मित्सुरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो असीरा है तो वो सभी उससे बात करेंगे। फिर जब टानशिरो हॉट स्प्रिंग पर जाता है तब उसे गेन्या मिलता है और वही लड़का था जिसने मित्सुरी को इग्नोर कर दिया था। फिर टानशिरो और मित्सुरी दोनों डिनर कर रहे होते हैं, तब टानशिरो मित्सुरी को बताता है कि वो लड़का और कोई नहीं जो कि गेन्या था। टानजिरो और मित्सुरी दोनों बात करते रहते हैं और बातों में मित्सुरी टानजिरो को कहती है कि एक वेपन है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हें उसे लेना होगा जिससे तुम मुजान किबुत्सुजी को हरा सकते हो। फिर जब टानजिरो जंगल की ओर जाता है उस वेपन की खोज में, तब उसे मिचिरो मिलता है जो कि दूसरा असीरा होता है। उसके साथ एक और मास्क पहना हुआ लड़का मिलता है। मिचिरो से किसी की बात करता है जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हें वो की नहीं दूंगा, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेसियस है क्योंकि वो चाबी मेरे एंसेस्टर ने बनाई थी। और हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि टानजिरो का डैड होता है। और तभी हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक गुड बाय।